युवा क्रांति सेना अकोला की ओर से महानगर पालिका अकोला पे ढोल बजाओ आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए तथा अपनी मांगों को लेकर उन्होंने ये आंदोलन किया। युवा क्रांति सेना की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि अकोला आरटीओ अवैध बिल्डिंग में चल रहा है, जिसको वैध तरीके से अकोला महानगर पालिका ने परमिशन दे रखी है। इसी को लेकर पहले जावेद पठान ने अकोला में कई आंदोलन कर चुके हैं और अपनी मांगों को रखा, लेकिन कार्रवाई ना होने की वजह से आज ढोल बजाओ आंदोलन इन्हें करना पड़ा। तो देखिए हमारे रिपोर्टर सैयद जमीर जेके की रिपोर्ट अकोला सिटी से। जिसमें एक आरटीओ विभाग बहुत महत्वपूर्ण खाता है, विभाग है, उस विभाग की विभाग द्वारा उस बिल्डिंग को अवैध करार करके वहाँ पर महानगर पालिका ने जो अनुमति दी है वहाँ पर आरटीओ विभाग को अपना ऑफिस खोलने की, वहाँ से काम चलाने की, हमारी युवा क्रांति सेना की तरफ से ये मांग है कि वो अवैध इमारत है, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीका का शासन मार्फत जो कार्यालय है वो कार्यालय नहीं चलना चाहिए। हमने इसके पहले भी 3 दिन जावेद पठान ने हमारा उपोषण किया है, लेकिन आयुक्त महोदय ने आश्वासन देने के बावजूद भी उन्होंने उस बिल्डिंग पर या बिल्डिंग के मालक पर या आरटीओ महोदय पर कार्रवाई नहीं की है। हम चाहते हैं कि आज देश भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और सरकार का ये कहना है कि हम भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बेहुर्मति की बात है और बड़ी दुख की बात है कि इतना बड़ा विभाग एक अवैध इमारत में चल रहा है। वो अवैध इमारत का सर्टिफिकेट अभी तक किसी के पास नहीं है। वो उस अवैध इमारत को पास करने वाले अधिकारियों को भी निलंबित किया जाए, उन पर कानूनन कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ देश विदेश की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर जाके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कमेंट करके बताएं कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी।